बड़ा दुख है, 1.5 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारी मेहनत ख़राब गई। अब आगे आने पता नहीं 5 महीने में आएगी, 6 महीने में आएगी, 1 साल लगेगा, कोई पता नहीं है। अभी तक रीज़न पता चला आपको, कुछ बताया? रीज़न नहीं बताया अभी तक, रीज़न नहीं बताया। ना पहले कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास? हाँ। फादर क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है, तो कितना खर्चा आ जाता होगा आपके पूरे डाइट पे, हो गया आपकी अकेडमी भी हो गई है, कितना खर्चा जाता है? एक मंथ में 12-13 हज़ार रुपये आ जाता खर्चा। कि आप कितनी निराशा है इनको, काफ़ी बच्चे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ एक और युवा, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? नाम अंकुश। कितने साल से मैं 2.5-3 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छा वर्क चल रहा था हमारा। अब पिछली जो नवंबर में भर्ती कैंसिल हुई थी उसमें ओवरेज हो गई थी हमारी, कुछ बच्चे और भी बैठे हैं, 10-12 बच्चे जिनकी ओवरेज हो चुकी है, और अभी भर्ती पोस्टपोन्ड होने के कारण बच्चों का हौसला भी टूट चुका है, काफ़ी बच्चे हमारी अकेडमी से जा भी चुके हैं, और अब पता नहीं 2-3 महीने में कब भर्ती आएगी। बच्चों का खर्चा भी होता है 12-13 हज़ार रुपये के महीने का एक बच्चा पढ़ता है, मिडिल क्लास फैमिली सारे बिलोंग करते हैं, तो सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए और सक्सेस हो जल्दी से जल्दी बच्चे। उम्र मेरी 21 साल हो चुकी है, लेकिन जब 20 साल का था तब मेरी ओवरेज हो चुकी थी। जी, आशा यही है जल्दी से जल्दी भर्ती हो, और जो बच्चे ओवरेज नहीं हुए हैं वो जल्दी जल्दी फिजिकल और भर्ती हो, हम तो ओवरेज हो चुके हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है, अब ऐसे में वो क्या करेंगे, उनको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हर रोज़ एकेडमी में यहाँ पर ट्रैक पर 2000 की संख्या में बच्चे आते थे, प्रैक्टिस करते थे, और फिलहाल आज आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर कितनी कम संख्या हो गई है बच्चों की। यहाँ पर हमारे साथ कोच हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? सचिन कुमार। सचिन जी, आपकी एकेडमी में कितने बच्चे? बच्चे थे जी कम से कम 137 बच्चे। 137, और अभी मैं देख रही हूँ कि कम से कम ये 50 बच्चे होंगे यहाँ पर। ये मान के चलो 70% बच्चे आज छुट्टी पे चले गए, वापसी पोस्टपोन्ड होने के कारण वापसी चले गए, और जिसकी तैयारी आई हुई थी, जिसकी एज चली गई है, उस बच्चे को बहुत बड़ा दुख भी है। और रही बात कि मतलब हम सरकार से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि मतलब 2-4 महीने जितनी भी आगे पोस्टपोन करना चाहते हैं ना, इन बच्चों की उम्र में इतना इजाफा देना चाहिए, जैसे कि पिछली भर्ती में दिया था इन्होंने 2019-20 में जो भी दिया था, अगर वैसा होता तो काफ़ी बच्चे दोबारा ट्रैक पर आगे मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना खर्चा जाता है? इनका खर्चा जाता कम से कम 10-11 हज़ार रुपये पर मंथ का बच्चे का, जिसमें 7 हज़ार रुपये अकेडमी में खर्च होता है, 2-4 हज़ार रुपये ऊपर की डाइट का होता है। हर फील्ड से बच्चे होंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लो फैमिली से भी होते हैं, ठीक है। और रही बच्चे कोई ज़्यादा रईस बच्चा तो कोई आर्मी की तैयारी करता है, कोई डिफेंस में नहीं जाता है, और रही है कि मतलब 80% बच्चे गरीब फैमिली लो फैमिली से ही आते हैं, और उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ तो बहुत ही गलत है वो। हमारे साथ एक और सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम बजरंग है जी। आपके पास कितने बच्चे? ये 137-140 बच्चे हैं। अच्छा, काफ़ी कम हो गए हैं। हाँ जी, ये भर्ती पोस्टपोन्ड की खबर सुन के ना बच्चे चले गए, अपने घर लौट गए, क्योंकि खर्चा तो पुगे नहीं। मैम, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, इतना खर्चा कहाँ से लाए, तो ये बुरा। आगे की डेट भी नहीं पता चली? नहीं नहीं मैम, ये लग रहा है अभी तो 2 महीने लगभग नहीं आएगी भर्ती, अक्टूबर नवंबर में देखो अगर आ गई तो। कोई कारण बताया है? कोई कारण तो मैम यही कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बता रहे हैं, वैसे तो सरकार का पता नहीं क्या बहाना है क्या नहीं। देखिए लगातार जो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी वजह से, और मौसम विभाग ने जो बताया है कि मौसम में बदलाव हो सकते हैं, उसकी वजह से आर्मी भर्ती की जो डेट है वो पोस्टपोन की गई है। आप देख सकते हैं, बच्चों ने भी बताया कि हमारे युवाओं ने बताया कि काफ़ी हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर में फार्मिंग करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता है घर संभालती हैं, पिता हैं वो खेतों में जाकर खेती करते हैं, ऐसे में बहुत खर्चों का उनको सामना उठाना पड़ता है, लोन लेके वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, एकेडमी भेजते हैं, उनकी डाइट का जो पूरा खर्चा होता है वो उठाते हैं, ऐसे में बच्चों में निराशा देखने को मिल रही है। आगे का क्या डेट होगी, कब तक आर्मी भर्ती स्टार्ट होगी, ये अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है। जितनी भी खबर रहेंगी आर्मी भर्ती से रिलेटेड या फिर और भी जानकारी, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।